सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। मुजफ्फरपुर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए कई और फिल्मी हस्तियों के खिलाफ आवेदन दिया है। यही आवेदन पत्र कई बिंदुओं पर दायर किया गया है। आपको बता दें कि सुशांत के परिजनों ने महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और कृति सनन के खिलाफ आवेदन पत्र दिया है। राजपूत सुसाइड मामले में जो मैंने करण जौहर, सलमान खान समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, उसी मामले में एक नया रोचक तथ्य आ गया है कि मुझे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, कीर्ति सेनन, रिया चक्रवर्ती की संलिप्तता उजागर हुई है। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से प्रेम करने के बाद महेश भट्ट के साथ जिस तरीके से उनका फोटो वायरल हो रहा है, आ रहा है, और मुकेश भट्ट जिस तरीके से कहते हैं कि उनको पहले से पता था कि सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत करेगा, और हाउसफुल 4 फिल्म मिलने के बाद कीर्ति सेनन जिस तरह से लव का ब्रेक करता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ और एक साजिश करती है, सभी लोग इस हत्या के साजिश में संलिप्त हैं। इसलिए मैंने माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आवेदन दे करके आग्रह किया है कि इस मुकदमा में इन सब को भी मुद्दा बनाया जाए और शामिल किया जाए ताकि इन सब की संलिप्तता उजागर हो, इन सब पर भी जांच हो। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है और 3 जुलाई की तिथि जो पहले से मुकर्रर थी इस केस में सुनवाई के लिए, वही तिथि मुकर्रर की गई है आगे की सुनवाई। आपको बता दें कि सुशांत की आत्महत्या को लेकर मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में सलमान खान, करण जौहर समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने और कई गंभीर आरोप लगाते हुए कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल CJM कोर्ट में दिए गए नए आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और इस मुकदमे की सुनवाई 3 जुलाई को CJM कोर्ट में होगी। पंजाब केसरी TV के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।